आने का थे, इस बात का डर रहता है जैसे मेरे भाई को मारे, क्या बताएं मुझे नहीं मारेंगे। हम लोगों को इस बात का 24 घंटे डर रहता है, निकले शाम को हम पापा को बाहर नहीं जाने देते। मलिक साहब सोहरा से आए हैं, तो भैया जो थे भैया घर में बैठे थे, अजान हो गई, उमर कयूम भट्ट, तो ये 20 अगस्त 2010 की बात है, जुम्मा का दिन था, रोजे चल रहे थे। भैया ने कहा मामा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मामा ने बोला अच्छे हालात खराब ध्यान सानी जी, क्योंकि पथराव चल रहा, उस टाइम कर्फ्यू था, ये लोग अब ये हेले बहाने भी बना रहे कि उस दिन कर्फ्यू नहीं था, ये लोग शॉप वालों को बंद कर रहे थे। अरे जब शॉप वाले बंद है तो ये क्या शॉप वाले को बंद करेगा, आप देखिए इनके हेले बहाने क्या है। भैया नमाज पढ़ने गए, मस्जिद में घुसे, नमाज खत्म हो गई, बाया निकले जल से छो और पाका वारे बुढ़ जल से छो पाका, मिलिट्री पहुंची मन पत पत कर छाग मन ठीक, तो ये जो मिलिट्री वाले हैं उनके पीछे भाग गए, लोग भाग रहे छाग गए छत चलो चलो सब लोग भाग रहे, बाया भी उनमें थे वो भी भागे क्योंकि वो तभी नमाज से निकले थे। इन लोगों को इस ऐसे पकड़ा, बाया को पकड़ा, उमर को उनको पकड़ा, वहां पे जो शटर बंद थे इलेक्ट्रिक पोल से, चार आदमी उन्हें उमर को उनको उठाया पटक पटक के इस शटर के साथ मारा, सीआरपीएफ और पुलिस पर्सनल शामिल थे। उसके बाद भैया जब नीचे पड़े हैं उनके ऊपर चढ़े और ऐसे ऐसे किया, क्या नीचे जानवर है कोई इंसान है, उसको नीचे ऐसे मार रहे हैं, इतना बेदर्दी से मारा, ऑन स्पॉट किडनी लंग्स डैमेज। जब मन नहीं भरा उठाया जिप्सी में डाला थाने में ले जाया, थाने में ले जाने के बाद हम लोगों को 6 बजे पता चल रहा है कि हमारा भाई जेल में थाने में, पापा गए उनसे मिलने कि मुझे अपने बेटे से मिलने दो, तुम कौन से सीएमपीएम हो, निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं मिलने देंगे। भाई वहां से चिल्ला रहे, उमर कोई वहां से चिल्ला रहे, पापा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, इन लोगों ने मुझे बेदर्दी से मारा है। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं मिलने देंगे अब्दुल कयूम, मेरे पापा, इनकी एक गुजारिश थी मेरा बेटा रोजे से है, कम से कम इसे इफ्तारी करा लो, क्योंकि भैया रोजे से थे उस दिन। बोला वो नहीं है वहाँ पे छोटा सा पॉट है वहाँ पे, आ जाओ मैं उसमें यूरिन कर दूंगा, उससे अपने बेटे को रोजे इफ्तार करा लो, कम से कम रोजेदार की नहीं रोजे की इज्जत कर लेते। पापा निकलने के बाद हमारी रात ऐसे ही गुजर गई सौरा पुलिस स्टेशन। तो हम जब बाहर निकले 1 बजे हम लोगों की जमानत, भैया की जमानत हो गई ऑफिशियली लीगली ऑन ड्यूटी, अब्दुल मजीद मलिक और सब इंस्पेक्टर जहूर। जब हमने बेल लीगली बेल हमने की, वो जहूर था, वो सब इंस्पेक्टर जहूर था। तो फिर जब पापा ने उनको कहा कि आप तो मैंने लीगली लाया, ये लीजिए आप एफआईआर को, ये लीजिए आप लीगली मैंने इसको बेल करवा दी, इसको मेरे बेटे को छोड़ दो, बोला नहीं रहने दो। 7 बज गए, 1 बजे से लेकर 7 बजे तक इन लोगों ने इलीगली, वहां पे तो आप इलीगल कहेंगे ना, इलीगली इन लोगों ने बाया को थाने में रखा, उसको 7 बजे तक नहीं छोड़ा। 7 बजे जब बाया को छोड़ा, हम लोगों ने उसे चेकअप के लिए लिया इधर स्किम्स। आप खुद पहले देखिए ये थाना रहा ये स्किम्स रहा, दूरी क्या थी, इनको क्या होता अगर एक बार बाया को चेकअप करने के लिए भेजते। जब थाने में जब इसको इधर लिया हॉस्पिटल में, तो उस दिन उन्होंने एक्सटर्नल चेकअप किए, उन्होंने बोला थोड़ा कोई बात नहीं एक्सटर्नल हुआ चेक, कोई बात नहीं उम्र ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ये वीकनेस हो रही है। तो लेकिन बाया को जब हमने घर लिया, बाया को ब्लड आ गया, हालांकि उसकी चाची आई, उसने उस पर बादाम प्यार से फेंके। बाया ने कहा प्लीज मुझे मत फेंके बादाम, क्योंकि मुझे लग रही है सीने में। पापा सोचने लगे इसको सीने में क्यों लग रही है, बाया ने बोला मुझे टॉर्चर किया गया। उसके बाद जब बाया के दोस्त थे वहां पे, उन्होंने उसकी कमीज निकाली, तो पीछे हमने कमर पे क्या देखा, कील के निशान देखे, इलेक्ट्रिक शॉक्स। बाया ने अपना स्टेटमेंट बोला मुझे ऐसे टॉर्चर किया गया, जब इनका मन नहीं भरा दिन में भी टॉर्चर करने से, तो रात को मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, मुझे बहुत मारा। उसके बाद हमने इसको स्किम्स लिया 22 अगस्त को, जो दिनों के बाद ये स्किम्स आप ले गए, 21 को जब छोड़ा 7 बजे हमने पहले चेकअप करवाया, 22 सुबह 5 बजे हम लोगों ने इसे स्किम्स लिया सुबह के, क्योंकि इसको ब्लड आ रहा था मुंह से। जब हमने तो डॉक्टर ने कहा कोयम से तू करियो दायखर ताशु साहब जो हम नामत पर्सन क्या टॉर्चर करूं, इसको टॉर्चर किया गया बीटन बाय कॉप्स, इसको टॉर्चर, इसकी जो किडनीज और लंग्स है वो डैमेज हो चुके हैं, उमर को उनको जल्दी से जल्दी वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दो।
उमर को उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया 25 अगस्त तक वो वेंटिलेटर पे थे। 25 अगस्त को दिन के 3 बजे बया शहीद हो गए और जब वहां से निकलने के बाद उसको जो उनकी ये लाश चलाई जा रही थी तो लोगों पे टियर गैस शेलिंग मारे गए, उसमें 120 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए उस टाइम। उसको हमें हालांकि जो लहर थी उसमें भी टियर गैस डाले गए। असल में उमर कयूम को हमें ईदगाह ले जाना था क्योंकि जो हम अगर घर का दरवाजा खोलते हमें कब्र सामने पड़ती है, तो इन लोगों ने लेकिन इजाजत नहीं दी गई। इन लोगों ने कहा नहीं तुम लोग अभी अपने बेटे को वहीं पे दफना दो, हम लोग चाहते हैं 7 साल हो गए क्लियर है बीटन बाय कॉप्स है, हम लोग बस एक एफआईआर चाहते हैं, हम लोग ना पैसे चाहते हैं ना कुछ चाहते हैं, हम लोग बस एक एफआईआर चाहते हैं, हमें आप एफआईआर काटे। हम लोग पापा गया बहुत सी बार गया है पापा यहाँ पे एफआईआर, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी तब तक आप बोले मुझे पुलिस कैसे एफआईआर काटेगी, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कल आ जाओ आज आ जाओ कल आ जाओ आज, ऐसे 7 साल गुजर गए ये लोग हमें न चाह रहे न कोई जवाब दे रहे न कुछ दे रहे, हम बस कह रहे हैं हमें एफआईआर काट के दीजिए, हमारे लिए वही काफी है, बया के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए।